रिजल्ट्स मेरे हाथ में है, किससे मिलेगा फिनाले का टिकट और किसका गिरेगा विकेट, वो जानने के लिए बुलाते हमारी पांच सेमीफिनाले की जोड़ियों को। जुड़वा सारे मंच पर आ जाए, जोरदार तालियां। आप लोग खड़े हो सेमीफिनाले के वीक में, लेकिन मेरे साथ खड़ी है फिनाले की टिकट। पांच टिकट है, संभव संकल्प, हर्षा वर्षा, नौमान सलमान, रेया श्रेया एंड मास्टर निजी। और फिनाले में सिर्फ चार स्पॉट। बहुत नाइंसाफी है ये, है? किसको मिलेगा टिकट, किसका गिरेगा विकेट? सबसे महत्वपूर्ण समय, क्योंकि यही चीज बताने वाली थी कौन डायरेक्ट फिनाले में जा रहा है और किसको आगे मशक्कत करनी है। तगड़ा प्रेशर। जिसका नाम मैं लूंगा वो जोड़ी ना आर है ना पार है। ये इम्यूनिटी सबसे प्रीशियस इम्यूनिटी होती अभी तक की, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट फिनाले का टिकट देती है। पिछले हफ्ते की एक और एक ग्यारह की विनर हर्षा और वर्षा। वर्षा और मैं एक दूसरे को ऐसे गंदे फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे थे, बोलते इस बार भी इम्यूनिटी नहीं, इस बार भी इम्यूनिटी क्यों नहीं हाथ में आई, और ये बहुत जरूरी था। जिस जोड़ी का नाम मैं लूंगा उनका टाई हुआ है। मैं उनका टाई, सेमीफिनाले में टाई, ये क्या हो गया? और ये हमारे आर या पार में पहली बार हुआ। ये सुन के नुमान उन्हें काफी डर गए, क्योंकि टाई होना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि दो कंटेस्टेंट एक साथ ना आ जा पा रहे हैं। जो भी हो जाए ये नाम अपना नहीं होना चाहिए। रेया श्रेया नुमान सलमान, ये हम बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारी पूरी नजर थी जीत पे। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार थोड़े से उस टाइम की वजह से हम कुछ टाइम से हम रह गए और इम्यूनिटी हमारे हाथ में नहीं आई। ये जोड़ी जो है जो जीतेगी आर्य पार मिलेगा उससे सीधे गोल्डन टिकट। एक सांस ऊपर चढ़ती एक सांस नीचे उतरती कि क्या पता कौन होगा। साथ में 50,000 रुपए और नॉमिनेशन करने का मौका। हम दोनों खड़े थे स्टेज पे, ये हमारा फिनाले में जाने वाला आखिरी आर पार था, बहुत डर लग रहा था। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा।